हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों, कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की अच्छी तैयारी भी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने तीन चार टॉपिक कवर भी कर लिए हैं और धीरे धीरे आगे के भी टॉपिक बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और हर एक प्रकार का अच्छा अच्छा सवाल, हर एक प्रकार का टाइप कवर करते जाएंगे, कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं। और आप लोगों को अगर हमारे वीडियो में थोड़ी सी भी मेहनत लग रही हो, कि अगर सामने वाले ने कोई मेहनत की है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाए वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, फिर सवालों पे आते हैं। सवाल देखिए, 5600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है, जबकि ए और बी को ए और बी का अनुपात 5:7 है। तीनों को अलग अलग कितने मिलेगा, तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा? देखिए, 5600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि सी को ए प्लस बी का 4/3 मिले। समझिए, सी और ए प्लस बी, जैसा जैसा सवाल में कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ। देखिए, सी को ए प्लस बी का कितना मिले, 4/3। कहने का मतलब सी को 4, ए प्लस बी को 3। ठीक है, अब क्या बताया है, ए जबकि ए और बी का अनुपात 5:7 है, ए और बी का 5:7 है, वो बाद में देखेंगे। तीनों को अलग अलग कितना मिलता है, 5600 रुपये को बांटना है ए बी सी में। देखिए, ए बी को कितना मिला, 3, सी को कितना मिला, 4, तो टोटल कितना हो गया, 7। ए बी सी को टोटल कितना मिलेगा, 7। 7 का मान कितना दिया गया, 5600, 56,000 है। ए बी सी को 56,000, मतलब तीनों को कितना बांटा गया, 56,000 बांटा गया है। हम देखिए, यहाँ 7 बांटा गया, यहाँ 56,000, तो 7 का मान 56,000 हो गया, 7 × 56, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 8,000, एक का मान कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एक का मान 8,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक का मान 8 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 8 × 32, तो सी को कितना मिल जाएगा, 32,000 मिल जाएगा। ठीक है, और अब इन्होंने बताया है ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है। सबसे पहले ए और बी को देखिए, एक का मान 8,000 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 8 × 3 = 24,000, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, यहाँ 3 का मान हो जाएगा 24,000। अब यहाँ पे 24,000 किसको किसको बांटे गए हैं, ए और बी को। अब ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, ए और बी का अनुपात दिया गया 5:7, कितना दिया गया, 5:7, मतलब इनको 5 और 7 के अनुपात में बांटना है। कहने का मतलब अगर 12 रुपये हैं तो इन्हें 5 मिलेंगे, इन्हें 7 मिलेंगे, तो देखिए 7 × 5 = 12, 12 का मान कितना दिया गया है, 24,000, 24,000 को बांटना है, तो 12 × 2 = 24, 2,000, एक का मान कितना आ गया, 2,000, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10,000, एक का मान 2,000 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10,000, तो 7 को कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14,000। देखिए, 10 और 14, तभी तो 24 हुआ। तो देखिए, ए को कितना मिला, 10,000, बी को कितना मिला, 14,000, सी को कितना मिला, 32,000, 56,000 रुपये को हमने बांट दिया। अच्छा सवाल है, और नोट कर लीजिए। अब देखिए ऐसे ही और अच्छा सवाल देखिए, प्यारा सवाल है, देखिए हमें तो बहुत प्यारा लगा, अब आप लोगों को कैसा लगा है बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, 2920 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर ए को 1 रुपये मिलेगा तो बी को 80 पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर बी को 1 रुपये मिलेगा तो सी को 1 रुपये 40 पैसे मिलेंगे, सी को बी से कितना अधिक मिलेगा? देखिए, ए बी सी क्या बताया है, ए को 1 रुपये मिलेगा, ए को 1 रुपये मिलेगा, तब बी को 80 पैसे मिलेंगे, 80 पैसे का मतलब 0.8 कर दो या 0.1,
8 0, बात तो एक ही है। और इन्होंने क्या कहा है, चाहे 8 कर लो यहाँ पे कोई बात नहीं। फिर इन्होंने कहा है लेकिन अगर बी को 1 रुपये मिलेगा, बी को 1 मिलेगा तो सी को 1 रुपये 40 पैसे, 1.40। अगर बी को 1 मिलेगा तो सी को 1 रुपये 40 पैसे मिलेगा। अब समझिए, यहाँ पे बी को 80 पैसे मिले हैं, यहाँ पे बी को 1 रुपया मिला है, ऐसा कैसे? बी को मिलना कितना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए दोनों जगह। तो बी को बराबर मिलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 0.80 से गुणा कर देंगे, 0.80 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ अनुपात है, क्या है? अनुपात। यहाँ भी क्या है? अनुपात। अब देखिए, जब इससे हम इसमें गुणा कर देंगे पूरे में, देखिए अनुपात में हमने क्या बताया था कि किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, चाहे किसी भी संख्या से भाग कर दीजिए, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे बी का 0.80 पैसे है, यहाँ पे भी बी का 80 पैसे होना चाहिए, तभी तो 0.8 का गुणा किया है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.80 कर लो चाहे 8 कर लो, और यहाँ पे 1, और इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए 14, यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे 0.8 है, 1.48 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 8 112, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया है, सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। सबसे पहले एक बात बताइए, तीनों रुपये कितने हैं, 2920 रुपये को ए बी सी में बांटा गया, 2920। सबसे पहले ए को मिला 1, बी को मिला 80 पैसे, सी को मिला 1 रुपये 12 पैसे, इन तीनों को जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 और 2.92 पैसे। इसका मान कितना दिया गया, 2920, मतलब 2920 बांटना है हमारे हिसाब से इतना इतना बटा, तो इसका मान इतना हो गया। जब यहाँ से दशमलव बटाया तो यहाँ 2 0 और बढ़ जाएंगे, 292 से 292 कट गया, 1 और 3 0 आए तो 3 0 लगा दिए, तो 1 का मान आ गया 1000, 1 का मान 1000। ठीक है, इन्होंने बताया सी को बी से कितना अधिक मिला, सी को यहाँ से देखिए कितना अधिक मिला, 0.32 अधिक मिला, बोलिए मिला नहीं मिला, सी को कितना मिला, 0.32 अधिक मिला। अब 1 का मान 1000 है, अगर हम 2 का पूछें तो 2000 हो जाएगा, हम कहें 3 का तो 3000 होगा, मतलब जितने का पूछेंगे उतने का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 0.32 का पूछे तो 3.2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3.2 का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 जब 1000 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दशमलव बट जाएंगे, 1 0 और लग जाएगा, 320, कितना अधिक है, 320। ठीक है, अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद और प्यारा सवाल लेते हैं, सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे, 530 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, इन तीनों को अलग अलग हिस्सा क्या है। ए बी सी को देखिए 530 रुपये में बांटना है, भाई सवाल है बिल्कुल सेम उसी की तरह है, उसमें दशमलव में संख्या थी। देखिए इसमें क्या है, ए बी सी को इस प्रकार बांटा गया, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, सी देखिए ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। सबसे पहले मैं सी तो पता होना चाहिए, सी को हमने मान लिया x, तो बी को कितना अधिक मिले, 80 अधिक मिले, तो बी को मिलेगा x+80। बोलिए इन्होंने कहा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले तो x+80 हो जाएगा, और ए को 70 रुपये अधिक बी से मिले तो इसका 80 था, इसे 70 रुपये अधिक और मिलेंगे तो इसको कितने हो जाएंगे, x+150। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ ले, देखिए ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, सवाल के हिसाब से 530 रुपये, तो ये तीनों किसके बराबर होंगे, 530 रुपये। देखिए x x x 3x, यहाँ पे 150 और 80 230 का मान कितना है, 530 बांटना है, तो 3x ये 230 उधर जाएंगे घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 300 उधर, तो x का मान कितना आ जाएगा, 100, 3 से काट दिया 100 आ गया, x का मान 300। अब बताया है अलग अलग हिस्सा ज्ञात करिए, तो x बराबर कितना आ गया, 100, तो c को कितना मिला, 100, और b को कितना मिलेगा, b को मिलेगा, देखिए b को मिलेगा x+80, कहने का मतलब 180, c को a को कितना मिलेगा, x का मान 100, 80 और 70 150,
150 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 250। तीनों को अलग अलग हिस्सा मिल गया। अच्छा सवाल है और नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए धीरे धीरे हम जितने भी टाइप हैं सभी कवर करने की कोशिश करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है तो हमारे कमेंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उस पर आप लोगों को अच्छे अच्छे सवाल मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करिए घर पे। हम हर एक टाइप का एक एक दो दो सवाल करवाते रहेंगे। अब देखिए ये सवाल थोड़ा अलग है और अच्छा भी है। क्या है सवाल? सबसे पहले, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 है। फेल होने वालों की संख्या से और पास होने वालों की संख्या कितनी है? 25:4 है। सबसे पहले देखिए, पास और फेल, पास कितने हैं? 25, और यहाँ फेल कितने हैं? 4। 25:4। फिर क्या बताया है? यदि पाँच और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। अब यहाँ पे बात अलग हो गई। 5 और ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। 5 और ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। तो देखिए, पास होने वाले, अब हमें ये बताया 5 और ने परीक्षा दी होती, 5 और, अब ये तो नहीं पता है कौन, वो फेल हैं कि पास हैं, तो अनुपात कितना हो जाता? तो हम इसे देखिए किस तरीके से लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से भी लग जाएगा, इस तरीके से थोड़ा कठिन होगा। देखिए इस तरीके से भी बता देते हैं पहले, क्या है तो अनुपात क्या होता? 22:3 होता, 22:3 होता। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, क्या बता रहा है? यदि 5 और ने अधिक ने परीक्षा दी होती, 5 अधिक ने परीक्षा दी होती तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। अब यहाँ पे फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो फेल में 2 कम कर दिया। अब 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, अब एक बात, ये 5 ने अधिक ने परीक्षा दी होती और 2 क्या होते? 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो 2 फेल हो जाते। अब 5 अधिक ने परीक्षा दी, 2 फेल हो गए, तो 5 कितने हुए होंगे? क्या बता रहा है? 5 और ने परीक्षा दी होती, मान लिया 5 और ने परीक्षा दी तो 2 कम फेल होते, 2 जो कम फेल होते तो इसका मतलब वो 2 क्या होते? पास होते। 2 कम फेल होते, अगर 5 लोगों ने और ने परीक्षा दी होती, मान लिया 5 लोगों ने और परीक्षा दी होती और 2 लोग कम फेल होते, 5 लोग और आ गए परीक्षा में और 2 लोग और कम फेल हो गए, इसका मतलब पास कितने हो गए? 7 लोग नहीं हो गए, 5 लोगों ने परीक्षा दी, 2 कम फेल हुए, 2 पहले ज़्यादा फेल होते थे, अब 2 वही कम और हो गए, वो पास हो गए होंगे जो फेल नहीं हुए, तो वो कितने हो गए टोटल? पास 7 हो गए, 7 हो गए। अब देखिए इसका अंतर लगा लीजिए, 25 × 75 और 22 × 88, 88 और 75 का अंतर कितना हो जाएगा? 13, कितना हो जाएगा? 13। इसका अंतर लेते हैं, देखिए यहाँ 7 × 21 और −44, देखिए 21 से घटाएंगे कितना? −44, कितना घटाएंगे? −44, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आने से यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 65, कितना आ जाएगा? 65। तो 13 का मान कितना आ गया? 65, तो 13 × 5 = 65, 1 का मान कितना आ गया? 5। तो पूछा क्या गया है? कुल परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, देखिए 25 पास हुए, 4 फेल हुए, तो टोटल कितने बैठे? 29 बैठे, 1 का मान 5 है तो 29 का मान कितना हो जाएगा? 145। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हम क्या बता रहे थे? सबसे पहले देखिए ये अच्छा तरीका है, टोटल लिख लीजिए, फेल लिख लीजिए। देखिए 25 पास, 4 फेल, तो टोटल कितने हुए? 29 लोग हुए, फेल कितने? 4, 29:4। हमने टोटल और फेल का अनुपात ले लिया, किसका ले लिया? टोटल और फेल का अनुपात ले लिया।
तो ये यहाँ पे 25 और 4 29 और फेल कितने हैं 4। यहाँ पे देखिए 22 और 3 25 टोटल हो गए 25 और फेल 3, हमने इसका अनुपात ले लिया। अब यहाँ पे सीधे सीधे कर दो, इन्होंने कहा 5 अधिक ने परीक्षा दी होती, 5 अधिक ने, अधिक के लिए प्लस, और 2 कम फेल होते, 2 कम फेल होते। यहाँ पे सीधे सीधे 5 अधिक, इसमें ये तो नहीं पूछा गया, इसमें ये तो दिमाग नहीं लगाना है फेल पास कौन, 5 अधिक जो आए हैं वो फेल हुए कि पास हुए, वो टोटल आए हैं 5, सीधे टोटल में 5 लिख दो, 5 ने अधिक परीक्षा दी। अब हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि वो 5 आए वो पास हैं और 2 जो कम फेल हुए वो उसमें जोड़ दो, ये तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधे टोटल फेल का अनुपात ले लो, 29:4 25:3। अब इन्होंने कहा 5 अधिक ने परीक्षा दी होती, अधिक के लिए प्लस हो गया 5, और 2 कम फेल होते तो 2 माइनस के हो गए। अब इसका इसका देखिए अनुपात लेते, देखिए 25 6 100 और 29 3 87, 87 और 100 का जब डिफरेंट ले देंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। देखिए इसका कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 15 माइनस 25, 5 3 15 माइनस 25 50 और 50 का आगे हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाए तो कितना हो जाएगा 65, 13 का मान 65, तो यहाँ पे एक का मान कितना आ जाएगा 13 5 65, एक का मान 13 हो जाएगा, और टोटल पूछे गए कुल विद्यार्थी कितने थे तो 29 का मान कितना हो जाएगा 145। ये अच्छा तरीका है, नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे एक सवाल और करवाते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए अच्छा सवाल है और इसको समझने की कोशिश करिए दो एक बार, ऐसे तो समझ में नहीं आ जाएगा क्योंकि जो हम सवाल है वो बहुत प्यारे प्यारे सवाल करवा रहे हैं जो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे हरी जल्दी से नहीं मिलेंगे। इतने अच्छे अच्छे सवाल जो SSC और CHSL के लायक हैं वही सवाल करवा रहे हैं। देखिए ये सवाल अगर आप लोग कर लेते हैं तो ऐसे मानिए कि पुलिस रेलवे ये जो परीक्षाएं हैं वनडे एग्जाम जितने भी हैं इनमें मैथ आप हलवा की तरह उड़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल जैसे इसी प्रकार एक सवाल और देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी है, उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण वाले, तो पास और फेल 4 गुनी है उत्तीर्ण होने वालों की अनुत्तीर्ण होने वालों की, एक हमने क्या बताया टोटल से लगा लीजिए, लगे इससे भी जाएगा टोटल से अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे टोटल की बात हुई है, क्या हुई है 4 गुनी थी। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, यहाँ पे परीक्षार्थियों की संख्या टोटल की बात हो रही है फेल पास की तो नहीं हो रही, तो हम देखिए इसको क्या कर लेंगे टोटल से लगाते हैं, इससे भी ये भी लगवा देते हैं टोटल और फेल, टोटल और फेल टोटल कितने हो जाएंगे 4 और 1 5 अनुपात 1 बता रहा है। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, तो अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या उत्तीर्ण होने वालों की संख्या तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता। अब इन्होंने कहा 35 ने यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले 35 कम होती, 35 कम होती यहाँ पे 35 कम कर दिए, तो उत्तीर्ण होने वाले क्या है अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, अनुत्तीर्ण होने वालों की 9 अधिक होती, अधिक के लिए प्लस। अब ने क्या बताया इसका इसका बस डिफरेंट लीजिए, 5 51 5 2 51 2 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2:1 यहाँ पे 3:1 नहीं हो जाएगा, बोलिए 2:1 दिया गया था टोटल में 2:1 यहाँ पे 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 51 5 3 51 3 तो इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए 9 3 क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं 9 3 27 और इसका 35 51 35। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 3 27 माइनस 35 51 35 प्लस हो जाएगा 35, तो 27 और 35 कितने हो जाएंगे 7 5 12 2 अंधेरे लगा 1 3 2 5 1 6 कितना आ गया 2 का मान 65, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया कुल परीक्षार्थियों की संख्या 5 का मान निकाल दीजिए, 1 का मान 135 है तो 5 का मान 155 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। ये तो इस तरीके से हो गया, अगर हम इसी तरीके से लगाना चाहें वैसे ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है, और इस तरीके से लगाना चाहें तो इस तरीके से भी लग जाएगा अनुपात, इसका कितना दिया गया था 2:1 और 9 अधिक होती, फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, यहाँ पे क्या बताया 35 परीक्षार्थियों क्या बताया गया इसमें 35 कम होती है, यदि परीक्षार्थियों की संख्या 35 कम होती। अब एक बात बताइए यदि परीक्षार्थियों की संख्या 35 कम होती, मान लिया 35 कम होती और
फेल कितने होते 9, परीक्षार्थियों की संख्या 35 कम हो गई, और फेल कितने हो गए 9 ज़्यादा फेल हो गए, 9 ज़्यादा फेल हो गए। तो इसका मतलब पहले कितने पास होते थे 44, कितने 44 कितने हो जाएंगे बताइए, यहाँ पे समझिए 35 परीक्षार्थियों कम होते, 35 परीक्षार्थियों परीक्षार्थी कम होते तो 9 अधिक फेल होते। जो 35 परीक्षार्थी गए हैं पास होने वाले गए हैं और 9 अधिक फेल होते, 9 अधिक फेल होते, तो इसका मतलब जो 9 हैं वो पहले क्या हो रहे थे पास हो रहे थे। इस तरीके से तुम्हारे समझ में नहीं आएगा वैसे यही तरीका बेटर है। यहाँ से देखिए इससे इससे लगा लीजिए, इसमें पूछा ही नहीं, 2 * 1 = 4 और 2 * 1 = 2, यहाँ से भी आ जाएगा 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 प्लस का 44 हो जाएगा, 18 * 4 = 62, 8 * 4 = 12 आधे लगाइए, 4 * 1 = 5 = 6 तब भी 2 का मान 62 आया, 1 का मान 31 आ जाएगा और यहाँ पे 4 * 1 = 5 का मान निकाल लीजिए, 5 का मान कितना हो जाएगा 155। भैया इस ये तरीका बेटर है ठीक है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।